आज के भौतिक और वैज्ञानिक युग में सती, पूजा पाठ, चमत्कार, झाड़ फूंक आदि को लोग नहीं मानते हैं, लेकिन कभी कभी इस कलयुग में भी ऐसी बहुत सारे चमत्कार हुए हैं जो वैज्ञानिक और विद्वान को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही एक स्थान गाजीपुर में है, अमोवा सिंह। यहाँ पर सती माता का मंदिर है और यहाँ पर सर्पदंश के पीड़ित व्यक्ति लाने पर और सती माता का जयकारा लगाने पर बिना झाड़ फूंक किए ठीक हो जाते हैं। सती माता के सती होने के कुछ दिन बाद ही पड़ोस के गांव के एक युवक को सर्प डस लिया। बहुत झाड़ फूंक हुआ लेकिन सर्प का जहर विष नहीं उतरा। तब तक वहां सती माता वाली वरदान का चर्चा कोई किया, फिर वहां के लोग सती माता वाले स्थान पर ले आए और सती माता की जयकार लगाने पर थोड़ी ही देर में विष यानी जहर उतर गया और वह उठकर बैठ गया। धीरे धीरे ऐसे बहुत सारी घटना हुई जिसमें सती माता की महिमा दूर दूर तक फैल गई और लोग सर्प के उपचार के लिए महुआ के पेड़ के नीचे सती चौरा पे आने लगे। अमोवा सिंह गांव के लोग सती माता को कुल देवी मानते हैं। यहां शुक्रवार और सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ भारी संख्या में होती है। सती माता के पति का नाम परमल सिंह बताया जाता है, लेकिन यह कितना सही है इसकी पुष्टि कोई नहीं कर सका। वहां के लोगों का मानना है कि सती माता का मायका बलिया जिले के दौलतपुर गाँव में था। सती माता लगभग 400 वर्ष पहले सती हुई थी और तब से उस गाँव में उनकी पूजा होती आ रही है। एक जनश्रुति के अनुसार अभी सती माता की शादी के 1.25 महीना हुआ था। एक दिन उनके पति खेतों में काम करने जा रहे थे, तभी उनको एक विषैले सर्प दिखाई दिया। उन्होंने अपने लाठी से सर्प पे प्रहार कर दिया, लेकिन सर्प बच गया और कहीं छिप गया। अगले दिन जब वह खेत में जा रहे थे तभी वो सांप निकला और उन्हें काट लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। उनको इस हालत में देखकर लोग उनकी लाश अमोवा सिंह गांव ले आए। उस समय वो गांव चारों तरफ से बरसात के पानी से घिरा हुआ था। जब ये बात सती माता को पता चली तो वो अपना होश खो बैठी और बिलाप करने लगी और दौड़ते हुए अपने पति के लाश के पास पहुंची और उनको अपने गोद में लेकर बिलाप करने लगी। उसी समय सती माता ने पति के साथ सती होने के लिए संकल्प ले लिया और सारे श्रृंगार करके अपने पति के साथ ही सती हो गईं और उन्होंने वरदान दिया कि इस क्षेत्र को सर्पदंश के शिकार लोग मेरे पास आएंगे तो चाहे कितना ही विषैला सांप क्यों न डसा हो, वो ठीक हो जाएगा। बशर्त यह रहती है कि वहां जाने से पूर्व कोई झाड़ फूंक ना कराया हो। अमोवा की सती माँ की महिमा अपरंपार है। सती माँ के दरबार जाने के लिए गाजीपुर से कसीमाबाद मार्ग से बरेसर के रास्ते ढोटारी चट्टी से जाना होता है। मोहम्मदाबाद से अलावलपुर जहरुद्दाबाद के रास्ते बरेसर ढटोरी चट्टी से जाना पड़ता है। उधर सरसड़ा मार्ग से तिरहीपुर के रास्ते जाना होता है।